ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से मैं नर्सरी के बच्चों को हिंदी पढ़ने के लिए प्रकाश डाल रहा हूं कि वे हिंदी कैसे पढ़ेंगे। सर्वप्रथम बच्चे तो छोटे हैं, वर्ण या अक्षर से परिचित नहीं है, तो उनको पढ़ने सिखाना है। पढ़ने जानते हैं तो अच्छी बात है, वे मेरे बोर्ड से बताए गए निर्देश पर ध्यान देंगे। कैसे पढ़ना है उसको देख लें। क ख ग घ ङ, अंग पर रुकना है आपको एक ही बार। च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व तलाब्स मूर्धन्स दंस ह छ त्र ज्ञ। अब प्रश्न उठता है, ध्यान देंगे, प्रश्न उठता है कि ख के पहले कौन सा वर्ण है। आपको HW में आएगा कि ख के पहले वाले वर्ण को लिखे, तो आप क्या लिखेंगे? ख के पहले क्या है? क। आंसर आपका क्या होगा? क। छ के पहले वाले वर्ण को लिखे, प्रश्न है छ के पहले वाले वर्ण को लिखे, तो आप क्या लिखेंगे? च। इस तरह से कोई पूछ दे कि ड के पहले वाले वर्ण को लिखे, तो आप क्या लिखेंगे? ठ। इस तरह से कोई पूछ दे कि न के पहले वाले वर्ण को लिखे, तो आप क्या लिखेंगे? ध। इस तरह से कोई पूछ दे ब के पहले वाले वर्ण को लिखे, तो आप क्या लिखेंगे? फ। इस तरह से कोई पूछ दे र के पहले वाले वर्ण को लिखे, तो आप क्या लिखेंगे? य। कोई पूछ दे कि छ के पहले, कवर्गी छ इसको बोलते हैं, कवर्गी छ के पहले वाले वर्ण को लिखे, तो आप क्या लिखेंगे? ह। इस तरह से ये तो पहले वाले वर्ण हुआ। आप देख लेंगे क से ज्ञ तक इस तरह से लिख लेंगे और तब इसका आंसर देंगे तो सही होगा। और इसके बाद आपसे कोई पूछ दे कि ग के बाद वाला वर्ण क्या है, ग के बाद में, ये बाद में है, ये ख पहले है, ग के पहले ख है और बाद में क्या है? ख। तो आप बाद वाले वर्ण को लिखेंगे। बाद वाला वर्ण, ग के बाद वाला वर्ण क्या है? घ। तो आपका आंसर होगा घ। इस तरह से कोई पूछ दे ज के बाद वाला वर्ण क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? झ। इस तरह से कोई आपसे पूछ दे कि ढ के बाद वाला वर्ण क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? और इस तरह से कोई पूछ दे आपसे कि ध के बाद वाले वर्ण कौन है, तो आप क्या लिखेंगे? न। इस तरह से आपसे कोई पूछ दे कि फ के बाद वाला वर्ण क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? भ।
इस तरह से कोई पूछ दे कि ल के बाद वाला वर्ण क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? व। इस तरह से कोई आपसे पूछ दे मूर्धन स के बाद वाले, मूर्धन ने स के बाद वाले वर्ण को लिखे, तो आप क्या लिखेंगे? दंत स। तीसरा प्रश्न उठता है, इस पर ध्यान देंगे। तीसरा प्रश्न क्या है? दो टाइप का प्रश्न अभी आपको मैंने बताया, किसी भी अक्षर के पहले वाले अक्षर या वर्ण और बाद वाले अक्षर या वर्ण, इसको आपने देखा। अब आपको देखना है बीच वाले अक्षर को ध्यान देना है कि इसके बीच में कौन कौन से अक्षर है। जैसे कोई आपसे प्रश्न करे कि ख और घ के बीच में क्या है, तो आप क्या बताएंगे? बीच वाले वर्ण कौन सा है? ग। ख और घ के बीच में क्या है? पहले क से क्या तक बाबू लिख लेंगे, उसके बाद मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे, आसान होगा। ख और घ के बीच वाला वर्ण कौन सा है, तो आप क्या लिखेंगे? ग। इस तरह से प्रश्न कोई पूछेगा कि छ और झ के बीच वाला वर्ण क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? ज। इस तरह से कोई आपसे पूछे कि ठ या ठ और ढ के बीच वाले वर्ण को लिखें, तो आप क्या लिखेंगे? ड। इस तरह से आपसे कोई पूछे थ या थ और ध के बीच वाले वर्ण को लिखे, तो आपका आंसर क्या होगा? द। इस तरह से आपसे कोई पूछे कि फ और भ के बीच में कौन सा वर्ण आता है, तो आपका आंसर क्या होगा? ब। इस तरह से कोई आपसे पूछे र और व के बीच में क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? ल। इस तरह से आपसे कोई पूछे दंत स और छ के बीच में, छ ये कवर्गी छ के नाम से जाना जाता है, दंत स और कवर्गी छ के बीच में क्या है, तो आपका आंसर होगा ह। देंगे तीन तरह का प्रश्न, वर्ण के पहले वाले वर्ण, बाद वाले, पहले वाले वर्ण पहला क्वेश्चन, किसी भी अक्षर के पहले वाले अक्षर को या वर्ण को लिखना है। दूसरा है बाद वाले अक्षर या वर्ण को लिखना है। तीसरा है बीच वाले दो अक्षरों के बीच में कौन सा लेटर आता है उसको लिखना है। अभी आपको तीन प्रश्न दिया गया है, क से ज्ञ तक कंप्लीट कर लेना है, और अभिभावक से आग्रह है कि आप अपने बच्चों को गाइडलाइन दें और गृह कार्य को, होमवर्क को पूरा कराएं। धन्यवाद।